अरे क्या हुआ क्या हुआ, अपनी बिल्डिंग थी यार ऊपर बीकॉम ऑनर्स की। लेकिन देखिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ दिखते हैं हरे भरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज वापस और जा रहे हैं अपने गोलू भाई का एडमिशन करवाने के लिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं और ये अभी दिखाते हैं आपको कौन से कोर्स में करवा रहे हैं इनका एडमिशन। आम्रपाली जो है लामा चौड़ पर है, ये देखिए आगे बैग वैग लेके आज इनको जरा ये कह रहा पढ़ने लिखने का मन कर रहा है जरा, बहुत मस्ती होगी इनकी। तो गाइस निकल रहे हैं अभी और दिखाते हैं आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस, दिखाते हैं अपना कॉलेज, दिखाते हैं हल्का फुल्का सा, छोटा मोटा ही यार, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं लेकिन जो भी है। बाकी फोन इसको पीछे डाल दो यार, डिग्गी में सही से डालना। किरोला का है मुकुल, किरोला किरोला जी को बुलाओ यार, कॉल करो, वैसे लेट होगी यार। तो आज करवा लाते हैं इनका एडमिशन फुल, निकलते हैं। अभी हम पहुंच गए अपने कॉलेज आम्रपाली, द गैंगस्टर कॉलेज ऑफ हल्द्वानी एमबीबीजी के बाद। और यहाँ पे अपनी पार्किंग, यहाँ पे लगाते हैं अपनी गड्डी को। यहाँ पे देखिए ये कोर्स हो सकते हैं और ये अपना पार्किंग पार्किंग स्पॉट। यारी सबसे बड़ा देख ऊपर लिख रहे रहता है हमारा, ये देखिए ये वाली बिल्डिंग है पूरी वो एचएम की। तो चलते हैं अंदर, चलो गाइस। और यहाँ पे किरोला जी भी आ गए हैं, देखिए है चलो। ये देखिए अपनी स्कूल की बस है और यहाँ से स्टार्टिंग। याली अपनी बिल्डिंग थी यार ऊपर बीकॉम ऑनर्स की, लेकिन अब इन्हें शिफ्ट कर दिया, पीछे कर दिया पूरा। ये देखिए क्या मस्त गार्डन है यहाँ पे। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कौन सा, अरे यहीं तो है, इस साइड ही तो होगा यार। किस साइड होगा एडमिशन, सब वहीं होते हैं भाई। लेकिन बिल्डिंग बदलने की हॉल टाइप का नहीं बन गया। अरे मैम ने भाई का जब करवाने गया था वहीं गया था ना यार। गाइस एचएम की यहाँ से पूरी बिल्डिंग है, देखिए यहाँ से लेके सबसे बड़ी बिल्डिंग एचएम की है। और जो एमबीए वाले कोर्स होते हैं वो पीछे को है ग्राउंड के बाद। सर को कॉल करता हूँ यार मैं, रुक जा अभी। और ये आगे देखिए गैंगस्टर सीसों में, ये देखिए यहाँ घूमने के लिए आ रखे चप्पल में, कुछ लिहाज नहीं है जैसे एमबीबीजी नहीं है, एमबीबीजी समझ के आ रखे। ये देखिए दो शख्स को, ये एमबीबीजी मार को ना, वाह देखिए भरत मेहता जी को ये। और जब आएंगे बंठन के यहाँ कॉलेज में आ रखे जैसे एमबीबीजी में वो आ रखे होंगे घूमने के लिए। तो गाइस यहाँ पे से ये देखिए ये अपना ग्राउंड और वो है अपनी कैंटीन। कैंटीन तो जब कॉल कर रहा हूँ ना सर को, भाई पहले दिखा दो जरा बच्चे, क्या पता मेरे ब्लॉक से कोई एडमिशन लेने आ जाए बाहर का। यहाँ ये देखिए ये है यहाँ पे का ग्राउंड और एक ग्राउंड उस साइड पीछे भी है, वो भी दिखाता हूँ मैं, पहले कॉल कर लेता हूँ। देखिए अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ दिखते हैं हरे भरे आम और पेड़ों की छाँ में आप बैठ सकते हैं धूप में। लेकिन जो ये हरे भरे आम है ये खा भी सकते हैं आप, पीछे भी बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पूरे, ये बच्चों के लिए हैं। जस्ट जोकिंग यार, मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना, पता नहीं कौन खाता है यार इनको, लेकिन बहुत सारे पेड़ हैं। तो हमें यहाँ पर ही जाना है, यहाँ अंदर ही होगा अपना एडमिशन। सर से पूछ लिया ना, ये खाली रहेगा आगे को। ऐसा एडमिशन हो गया था, अभी हम पेमेंट करने जा रहे हैं, वही अपने कार्ड से पेमेंट होती है, दूसरी जगहों पे होती है। पहले तो अंदर पे होती थी लेकिन अंदर पे अब नहीं हो रही है। अब हमें जाना है आगे पे, कौन से वाला सेल बोला था उन्होंने, अकाउंट ऑफिस में जाना है, उधर पे पेमेंट करते हैं। पहले पूछा था वह एडमिशन तो हो गया था, अब हम जा रहे हैं अपनी मार्कशीट लेते हैं जो बहुत टाइम से यहीं पड़ी है। तो मैं अभी अपने डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, वो लास्ट में है यार, पता नहीं लास्ट में बनवा दिया है। उधर पर जाता हूँ, देखता हूँ कि मार्कशीट मिल पाती नहीं मिल पाती है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो हमने ले ली यहाँ पे कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। बाकी दो जने तो हमने फरार है, हमने सोचा जब तक फरार हैं तब तक हम पी लेते हैं, मज़े ले लेते हैं। और यहाँ पे बैठने का पूरा देखिए एरिया, ये अपना नेस्कैफे, ठीक ये भी आ गया। यहाँ पे आइसक्रीम तुम्हारी और पेटीज सब चीज़ मिलती है। और यहाँ से अपना वाला ब्लॉग है, मतलब यहाँ पर बी कॉम एम बी ए ऑनर्स वो सारे साइड होते हैं, पहले साइड नहीं होते थे यार। पहले यहाँ पे शायद बीटेक का था, लेकिन बीटेक का शायद हट गया, पता नहीं क्या सीन है इधर पे, इतना मेरे को ध्यान नहीं है। और अगर हमारे जब पेपर होते हैं वो भी यहीं से होते हैं। ये देखिए अभी पेपर का भी लगा यहाँ पे कुछ, ये देखिए चारों ओर हरा भरा अपना पूरा
आम के साथ ऊपर आ गए थे। और यहाँ से मिलेगी अपनी मार्कशीट, ये देखिए गोलो बोरा जी को, और यहाँ से भी पूरी क्लासेस है पीछे को। यहाँ से पीछे आए तो देखिए फिर से आम के पेड़ आ गए, आम आम ऑल वेयर एवरीवेयर मैंगोस। देखिए पता नहीं स्कूल कॉलेज खाली क्यों है यार, लोग ही नहीं दिख रहे यार। है पहले थी यार बीटेक, अब तो ये एमबीए वाली बन गई, पता नहीं उस साइड को होगी सब बीटेक की। यार एक सारे बैक के लॉग बीटेक वालों के लगे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, बीटेक थर्ड ईयर, पता नहीं यार उस साइड को हमारा, इस साइड को शायद इस साइड वाला बीटेक का है, पता नहीं क्या सीन है। ये देखिए यहाँ पे है पार्किंग, लेकिन ये खाली सर वालों सर लोगों के लिए, मतलब सर जो टीचर आती है ना खाली उनकी पार्किंग होती है, बच्चों को अपनी गाड़ी करनी है कार पे खड़ी। लेकिन ये देखिए पेड़ से क्या मस्त गाड़ी पूरी बची पड़ी है, धूप ऊप भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज लग रहा सब छुट्टी में ही, अरे छुट्टियाँ चल रही होंगी यार आजकल तो शायद ना, तभी पूरा कॉलेज खाली चल रहा है, मतलब बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। ये अपने पीछे से बिल्डिंग, ये अपनी आमे पाली की बस, चलते हैं जल्दी से बाहर, मौसम देखिए एक बार, बिल्कुल बारिश होने वाला हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी है और ये पीछे वाली पार्किंग है। बाकी एक एचएम का यहाँ से भी रास्ता अंदर जाने का, यहाँ पे स्टार्टिंग में शीशा भी लगा रहता था यार, लगा ही नहीं लगा भी देखता हूँ। ये देखिए शीशा एचएम वालों के लिए, तो तुम पूरे चिकना बन के आना पड़ेगा यार एचएम वालों के लिए ना। अपना तो ऐसा था कि बीकॉम वीकॉम वालों का दाढ़ी वाढ़ी जो भी चलती थी, लेकिन इनको पूरा बनना बन के आना पड़ता है चिकना। और यहाँ से हम आने लग गए हम बाहर, अपना तो काम हुआ नहीं। बाय 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 बाय। ये देखिए अभी यहाँ पे पहुँच गया, हमें बगीचा आ गया है, और यहाँ से आगे को जा रहे हैं हम काला डूंगी वाले रास्ते से जा रहे हैं, और गोलू भाई का यहाँ पे एडमिशन हो गया है तो सब बधाई दे रहे हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, अबे अबे यार इसमें गुड़ कहाँ से निकल गया, अभी बीच में हम गए थे ना घूमने के लिए तो इसमें रह गया लग रहा गुड़। तुम भी करो। अबे यार कर रहा हूँ, रुक जा रुक जा। तो गाइस अभी हम बीच में गए थे घूमने के लिए तो मम्मी ने निकाल के रख दिया था गुड़, इसमें रह गया हूँ। वाह क्या किस्मत है, ये देखे गुड़। देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया पहुंचे नैनीताल के रास्ते में, देखिए यहाँ पे जाम लग गया पूरा। यहाँ से स्टार्ट हो गया, हमने तो सोचा पीछे वाली रोड पे ना जाम नहीं रहता है, लेकिन जो रामनगर से आता है वहाँ से आता है ना जाम लग जाता है पूरा। आगे पे हुआ क्या यार, ऐसा रास्ता टूट रहा है साइड से। अरे वहाँ वो ट्रैवलर और वो दोनों, और इनको देखिए आगे आने के लिए ऐसे यहाँ पे हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे सीन हुआ शायद, ये टूट रखा है देखो, ये पूरा उखड़ गया क्या, क्या सीन है ये, मेरे को लगा ऊपर से पत्थर आया। ये तो साइड का कुछ टूट रखा है यार, रोड गिर रखी है नीचे, साइड भी देखिए। जब वो तीन दिन लगातार बारिश नहीं पड़ी थी, देखिए जैसे नीचे पे धूप ऊप हो रही थी, और यहाँ पे आती है देखिए क्या नज़ारा है कोहरे का, मज़ा आ गया यार। तभी लोग यहाँ से देखिए आगे भी चल रही है पंजाब की गाड़ी, और लोग यहाँ पे रोके पड़े हैं फोटो खिंचाते हुए। अभी आगे थे, और ये देखिए क्या गाड़ी तगड़ी लग रही है यार अपनी कोहरे पे। यहाँ पे दुकान आ रखी है और गोलू भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं, और भीड़ देखिए यार इस रोड में भीड़ नहीं रहती ना, लेकिन आज तो इतनी भीड़ है ना यार क्या बताएं। ये अपनी धन्नो, हाँ अभी ब्लॉक पे पहुँच गए थे, रास्ते का तो मैंने शूट कर रही हूँ वापस आने का, तो अभी ज़रा भूख लग गई थी, यहाँ पे हमने लगा दिया चिकन पकौड़े अपने, ज़रा डाइट भी मेनटेन करनी है। और यहाँ पर हमारे साथ है भरत भैया, तो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, बस इस ब्लॉग में इतना ही है, मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में।